Fall of the house. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال إمام حسين عليه السلام هل من ناصر ينصرنا شام غریباں کے سوگواروں رونے والوں غم حسین میں آنسو بہانے والوں عشرہ محرم گزرا ہے غم حسین میں آپ نے آنسو بہایا ہے گریہ کیا ہے سینہ زنی کی ہے روئے ہیں کربلا کے شہیدوں کو یاد کر کے روئے ہیں کربلا کے اسیروں کو یاد کر کے روئے ہیں ان کا ماتم کیا ہے شام غریبہ کے حالات کون سنا سکتا ہے کون عرض کر سکتا ہے کس نے وہ منظر دیکھا ہے جو مدینے سے کربلا تک گزر گیا اور باوت کربلا گزر گیا ہم میں کوئی نہیں جو واقعات کربلا کو اس طرح سے سنا سکے کہ وہ کہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے ہاں یہ آسمان پر نکلنے والا سورج یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے یہ منظر دیکھا تھا چاند یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے یہ خونی منظر دیکھا تھا یہ آسمان کے ستارے کہہ رہے ہیں کہ کربلا میں جو کچھ ہوا تھا ہمیں یاد ہے یہ سنانی سنا رہے ہیں کہ حسین ابن علی فرزند رسول رسول اللہ کے چھوٹے نواسے تھے اور سن 61 ہجری میں اسلام کی حفاظت کے لیے تیار ہو رہے تھے 28 رجب سن 60 ہجری حسین مدینے سے رخصت ہو رہے تھے یہ حسین کون تھے یہ کائنات بتا رہی ہے یہ چاند ستارے سورج کہہ رہے ہیں کہ حسین رسول کے چھوٹے نواسے تھے علی و بطول کے دل بند تھے حسن کے بڑے بھائی تھے امامت کی پانچویں امامت کی تیسری فرد تھے پنجتن میں پانچویں تھے اور نانا سے جیسا کہ وعدہ کیا تھا کہ جب اسلام خطرے میں ہو تو اے حسین تم اس کی حفاظت کرنا اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے مدینے کو خیر آباد کہہ رہے تھے قبر رسول سے رخصت ہو رہے تھے
माँ की कब्र को खुदा हाफिज कह रहे थे, भाई हसन की कब्र से रुखसत हो रहे थे, अहले मदीना से रुखसत हो रहे थे। आज एक कोहराम था मदीने में, गोया यूं लग रहा था कि आज रसूल रुखसत हो गए, आज फातिमा ने शहादत पाई है, आज हसन का जनाजा उठा है। आजीजो सब रो रहे थे हुसैन दिलासा देते हुए और साथ में ये बताते हुए जा रहे थे कि नाना के मदीने में अब मैं पलट के नहीं आऊंगा। अजीजो हुसैन ने गर्मियों में ये सफर अख्तियार किया था, हुसैन किसी मनसब की तमन्ना में नहीं जा रहे थे बल्कि दीन इस्लाम की हिफाजत के वास्ते निकले थे, मक्के की जानिब रवा दवा थे। लेकिन अजीजो जब पता चला मक्के में आने के बाद के हाजियों के लिबास में कातिल आए हुए हैं, तो हुसैन ने अपने हज को उम्रे से बदला और एक बार एहराम बांधने के बाद तोड़ दिया ताकि खाने काबा की हुरमत पामाल न हो, आगे बढ़ गए थे। हुसैन इब्ने अली पहले ही अपने चीज जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील को भेज चुके थे, हुसैन कूफे की तरफ रवा दवा थे कि राव में अपने भाई मुस्लिम इब्ने अकील की शहादत की खबर मिलती है। हुसैन रोते हैं, गिरिया करते हैं, अहले हरम को बताते हैं, बीवियों को दिलासा देते हैं, भाइयों बहनों को समझाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अजीजो अब हुसैन कूफे की तरफ नहीं जा रहे थे, मगर उधर से इब्ने ज़ियाद की फौज और यजीद की तरफ से मामूर फौज आ रही थी जिसने फर्जंद रसूल का काफिला रोक दिया। उस मुकाम पर हुसैन इब्ने अली पहुंच गए जो हुसैन की आखिरी कयामगाह थी, वल्ला वो रास्ता रोक रहे थे, हुर का रिसाला था और हुसैन के चाहने वाले रास्ता बना रहे थे, मगर वो जमीन आ चुकी थी जहां से हुसैन को आगे नहीं जाना था, लिहाजा सात घोड़े बदले कोई घोड़ा आगे न बढ़ा। इमाम ने उस जगह की मिट्टी को उठा के सूंघा, अपने खून की खुशबू पाई, समझ गए यही हमारी आखिरी आरामगाह है। लिहाजा अहले क़रिया से पूछना शुरू किया, बताओ इस जगह का क्या नाम है। किसी ने कहा इसे शत फरात कहते हैं, किसी ने कहा इसे नैनवा कहते हैं, किसी ने कहा इसे गादरिया कहते हैं, लेकिन अफसोस एक जमाल कह उठा कि इसे करबो बलाओ कहते हैं। इमाम ने कहा हाँ यही हमारी मंजिल है, यही हमें ठहरना है, यही हमारे खेमे लगेंगे भी और उखड़ेंगे भी, यही हम कत्ल कर दिए जाएंगे, यही हमारी औरतें बेवा होंगी, बच्चे यतीम होंगे, हमारे घर को लूट लिया जाएगा, हमारी कब्रें भी शायद कई दिनों के बाद यहीं पर बनेंगी। अजरकुम अल्लाह। आजादारों हुसैन मदीने से चले थे, दूसरी मुहर्रम सन 61 हिजरी को वारिद करबला हो गए थे, खैमे दरिया के किनारे नस्ब किए गए, उधर से लश्कर आया और जिसने खैमे हटवा दिए। इमाम ने सर झुका करके अपने भाई अब्बास से कहा जो गैस के आलम में थे कि तुम अपने खैमे दरिया से हटा लो। अब्बास ने भाई की बात मानी, खैमे दरिया से हटा के रेती पर नस्ब कर दिए गए। अब जालिमों ने अपना काम शुरू कर दिया। चौथी मुहर्रम सन 61 हिजरी की तारीख आई थी। अजीजो ये वो तारीख थी जब पानी पर पहरे बिठा दिए गए थे, और अजीजो अब घर के अंदर खैमे के अंदर पानी नहीं आ रहा है, बच्चे जो बचा हुआ पानी अब पी रहे हैं, यहाँ तक के सातवीं मुहर्रम आ गई, अब पानी खत्म हो गया, छोटे छोटे बच्चे खाली कूदे लिए हुए अलमा अलमा लताश लताश की सदाए बल
बात कर रहे थे। अजीजो ये चांद कह रहा है, ये सितारे आवाज दे रहे हैं, ये सूरज बतला रहा है, ये चांद से बच्चे, ये नूरानी से बच्चे रे, और ये वो औरतें कि जिनका साया भी कभी हमने नहीं देखा था। अजीजो करबला के मैदान में बेआब हो गया थी हुसैनी, शमा के परवाने अपने काम में लगे हुए थे, जहां इमाम के साथ इबादत कर रहे थे, रियाजतें कर रहे थे, वही बार बार कुएं भी खोदे जाते थे, कहीं से बच्चों की कोई पानी की सबील हो जाए, लेकिन पानी न मिलता था। दिन गुजरे, रातें आई, नवी मुहर्रम की तारीख थी, हुसैन मर गए, आदम में गिर गए, ये यौम तासुआ है। एक शब आई, इमाम के जितने साथी थे सब खेमों में जमा हो गए, अब तस्बीह और तकदीस का आलम है, अल्लाह की इबादत है, जानते हैं पूरे जलवे दिखा रही हैं, कल हम जन्नत में पहुंच जाएंगे, मगर इमाम की मजलूमी को देख करके आंसू भी बह रहे थे, और शायद खुश भी थे कि हमें जल्दी ही जन्नत में जाना नसीब होगा। जरुकुम अल्लाह, रात में हुसैनी खैमों से ऐसी सदाएं आ रही थी इबादत की कि जैसे शहद की मक्खियां बन बना रही हूँ। शब इबादत में गुजरी, सुबह हुई तो आलम ये था कि एक बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने अपने नूर नजर अली अकबर को आवाज दी, बेटा अली अकबर, अजान दो। अजान अली अकबर की करबला के मैदान में गूंजी, शायद ये आवाज मदीने तक पहुंच गई। हाँ, ये इमाम का मौजजा था। फातिमा सुगरा ने सुना, मेरा भाई अजान दे रहा है। अजरकुम अल्लाह, अजीजो दिन चढ़ा, अब हमले शुरू हो गए। पहला तीर यजीदी फौज के कमांडर पे सरे साथ ने फेंका, फिर हजारों तीरों की बारिश हुई, और इस यलगार में पहले ही हमले में इमाम के 40 साथी दर्जे शहादत पर फायद हो चुके थे। कहीं मुस्लिम इब्ने औसजा की लाश थी, कहीं हबीब इब्ने मजाहिर पड़े हुए थे, कहीं जुहैर इब्ने कैद थे, कहीं जनाबे हबीब जाकरी थे। हाजीदो, इमाम के चाहने वाले गुजर रहे थे, हर एक के सिरहाने इमाम जाते थे, और उसका सर अपने जानू पर रखते थे, खुदा हाफिज कहते थे, और हर जाने वाला ये वसीयत करके जाता था रहने वालों से, देखो खबरदार हुसैन से होशियार रहना, जब तक जिंदा रहना हुसैन पर आश ना आए। लो अजीजो, इसके बाद फर्दन फर्दन अस्हाब जाने लगे, एक एक करके जब सब सहाबी शहीद हो गए, तो इज्जा की बारी आई, जाफर और अकील की औलादे जाने लगी, जा करके दर्जे शहादत पर फायज हो गई। जनाब ज़ैनब के शहजादे अब्दुल्ला इब्ने जाफर के फर्जन और मोहम्मद बड़ी बहादुरी से मामू से इजाजत लेके लड़े, शहीद हो गए। जब वो न रहे तो इमाम का भतीजा कासिम इब्ने हसन इमाम की खिदमत में आया और कहा, चाचा मुझे भी मरने की इजाजत दे दीजिए। इमाम ने कहा, बेटा तुमसे मेरे भाई की खुशबू आती है, मैं तुम्हें मरने की इजाजत नहीं दूंगा। बहुत रोए भतीजे को लगा के, लेकिन इजाजत न दी। कासिम बेचैन होकर के गए, जाके कोने में बैठ गए, थोड़ी देर बाद याद आया, बाबा ने आखिर वक्त में तावीज बांधा था का कासिम जब मुसीबत में गिरफ्तार होना, इसे उतार के पढ़ लेना। खोला, बाप का खत था छोटे भाई के नाम, जब हुसैन नर गए आदम गिर जाना,
कासिम की जान अजीज न करना, मेरी जानिब से खुद पर उसे फिदा कर देना। खुश खुश आए अजीजो दिखाई वो तहरीर चचा जान को, कहा कासिम तुम इजाजत नामा ले आए। बहुत देर तक चचा भतीजे लिपट के रोए, इतना रोए गश आ गया। लो दादा रो, जब इफाका हुआ कासिम मैदान में आए। बहुत छोटे थे, बड़ी बहादुरी से लड़े, बहुतों को मारा, मारते मारते जब कुछ कुत साथ नहीं देने लगी, एक बार घोड़े पर डगमगाने लगे। इतने छोटे थे, इमाम को नहीं पुकारा, आवाज दी अम्मा में गिरा। अब कासिम की आवाज पर इधर से हुसैन झपते, उधर से अब्बास, उधर से अली अकबर, चाहते हैं कातिले जनाब कासिम भागने न पाए। फौजों में भगदड़ हुई, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। कासिम का जिसमें अतहर घोड़ों की टापों से पामाल हो गया। अजीजो कासिम का लाशा एक गठरी की शक्ल में हुसैन लाए। कासिम के बाद आप 32 साल का भाई अलमदार लश्कर आया। इमाम ने मरने की इजाजत न दी, हम मश्क भरने की इजाजत जरूर दी थी। गए दरिया पर शाने कटा के सो गए, और इमाम ने मरने पर मर्सिया पड़ा। भैया बाप तुम्हारे मरने से हमारी कमर टूट गई, जब अब्बास भी न रहे। अब 18 साल का जवान बेटा, हम शक्ल पैगंबर इमाम से रुख्सत को आया, और हुसैन अंबिया मुरसलीन की सब्र की हदों को पार करते हुए जवान बेटे को मरने की इजाजत दे रहे हैं। अली अकबर मैदान में आए, खूब जंग की दादे शुजात ली, लेकिन 3 दिन का भूखा प्यासा कब तक लड़ता। एक जालिम ने अकब से हमला किया, एक नैजा मारा जो सीने में दराया। अब अली अकबर से संभला रह गया, घोड़े की गर्दन में बाएं डाल दी। बाबा मदद को आइए, या बताओ अलैकुम सलाम, बाबा पर मेरा सलाम। अब हुसैन की आंखों की बसारत भी जाती रही, या अली कह कर के मैदान में पहुंचे। खुदा किसी बाप को ये मंजर न दिखाए, जवान बेटा एड़िया रगड़ के दुनिया से चला गया, और हुसैन ने सब्र की ये मंजिल भी पार कर दी। आजादारो, इसके बाद जब हुसैन ये कौ तना रह गए, मैदान कताल में आके आवाज इस्तगासा बुलंद की, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना। है कोई जो मेरी मदद को आए, है कोई जो मेरी नुसरत करे। शोहदा की लाशों में कोहराम, मौला हम नुसरत को तैयार है, मगर मौत ने मजबूर कर रखा है। अगर आप इजाजत दे हम आप पर फिदा हो जाए। इधर शोहदा की लाशों में आजादारों कोहराम था, उधर खैमे में कोहराम। हुसैन पलटे, पता चला 6 माह का बच्चा। जब से आका ने आवाज इस्तगासा बुलंद की थी, अपने आप को झूले से गिरा रहा था। कहा लाओ मेरे नूनजर को, मैदान में साया किए हुए लाए। पानी तलब किया, जलती रेत पर लिटाया, उठा भी लिया, लेकिन उधर से कोई पानी पिलाने न बढ़ा। हाँ, एक जालिम ने तीर चलाया, 3 बाल का तीर बच्चे की गर्दन पर आया, इमाम के बाजू में पैवस्त हो गया। इमाम ने तीर खींचा, बच्चा बाप के हाथों पर मुनकलिब होकर राहिए जन्नत हो गया। हुसैन इम्तिहान की मंजिल है, कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे आते हैं, कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रे। हाँ अज़ीज़ो, हुसैन ने इस बच्चे को पुश्ते खैमा पर सिपुर्दे खाक किया। अब खैमे में आए, अहले हरम से रुख्सत हुए, बीमार बेटे को खुदा हाफिज कहा। कैसे रुख्सत हुए मुझे नहीं मालूम, शाम
गवा चुकी थी। हुसैन को वादे तिफली याद आ रहा था। खैमे से हुसैन निकले, शब्बीर बरामद हुए। यूं खैमे के दर से जिस तरह निकलता है जनाजा भरे घर से, अजीजो हुसैन को कौन सवार करता। दुखिया बहन थी जिसने बाजू भी पकड़ा, हुसैन को सवार भी किया। हुसैन जब के चले बादे दोपहर रन को, कोई न था कि जो तामे रकाबे तौसन को। सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को, हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को। नासरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। हुसैन उलझना पर सवारों के आगे बढ़े थे, हुसैन का घोड़ा रुका। इमाम ने कहा अरे मेरे नाना के वफादार फरस, ये हुसैन की आखिरी खिदमतें, अब हुसैन तुझ पर सवारी न करेगा। घोड़े ने एक बार सुमो की तरफ इशारा किया, देखा सकीना घोड़े के सुमो से लिपटी हुई फरियाद कर रही है, मेरे बाबा को न ले जा, मुझे यतीम न कर। हुसैन उतरे, बच्ची को उठाया सीने से लगाया, कहा बाबा कहाँ जाते हो। सकीना ने पूछा बाबा कहाँ जाते हो, कहा मैदान में। पूछा क्यों, कहा जिसका कोई मददगार न हो क्या करे। कहा बाबा जा तो रहे हो, लेकिन दस्तूर ये था कि मैं तुम्हारे सीने पर रात में सोया करती थी। बताओ बाबा आज की शब किसके सीने पर सोऊंगी। पीर नबी सल्लल्लाहु मुकाम हूँ कहते हैं, बच्ची के मुंह से बेसाख्ता ये कलमा निकला, नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैदान जमार, सीने पर सुनाएगी तुम्हें रात को मादर। वो कहती थी सोएंगे कहाँ फिर अली असगर, शहने कहा बस जिद करो सबके में तुम पर। शब होएगी और दश में हम होएंगे बीवी, असगर मेरे साथ आज वही सोएंगे बीवी। वो बोली के बस देख लिया आपका भी प्यार, मैं आपसे बोलूंगी नाम याशा है अबरार। अच्छा ना कर कीजिएगा जलाने का इकरार, मर जाएगी इस शब को तड़प कर ये दिल अफगार। कैसी है ये बातें, मेरा दिल रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा। बाप बेटी के गुफ्तगु है, औलाद वालों सुनो, असगर कभी साथ आपके अब तक नहीं सोए। पहला लिया अम्मा ने अगर चौंक के रोए, शफकत थी मुझी पर कि ये बेचैन न होए। ये प्यार हो जिस पर उसे यूं हाथ से खोए, जीते रहे फर्जंद के सब लख्त जिगर है। मैं आपकी बेटी हूँ वो अम्मा के पसंद है। बस इमाम ने अंदाज बुलंदी बदल दिया, और रवायत भी यही कहती है। फरमाते हैं लो रो नाम सबर करो बाप को जानी, कुछ देती हो बाप को पैगाम जुबानी। ऊदे लबे लाल ये तश्न दहानी, मिलता है तो बीवी के लिए लाते हैं पानी। महबूब है इलाही के नवासे हैं सकीना। दिलासा दिया बच्ची को, बच्ची लौटी, अजीजो हुसैन मैदान में आए। शुजात देने लगे, बार बार हमले करते थे और कहते थे अना इब्ने रसूलल्लाह, अना इब्ने फातिमा ज़हरा, अना इब्ने अली अल-मुर्तज़ा। और खैमे के दर पर खड़ी हुई बहन कहती थी मरहबा इब्ने रसूलल्लाह। एक बार जब उसका हंगामा आया, ज़ैनब ने आवाज दी हुसैन शुजात के जौहर तो दिखा चुके, अब मां के दूध की तासीर भी दिखा दो। आजीजो हुसैन ने चार जानिब देखा, एक बार ज़ुल्फ़िकार ने आम में रखी, भागा लश्कर पलट आया, चारों तरफ से मौला हुसैन पर हमले होने लगे। ये आसमान पर जो चांद था, जो तारे अभी शाम के वक्त पूरी तरह से नहीं निकले थे, लेकिन वो भी ये मंजर देख रहे थे। और सूरज जो गुरूब होने के करीब था, ये मंजर देख रहा था कि एक मजलूम, एक यक्का तन्हा, एक भूखा, एक प्यासा, एक 71 लाशें उठाने वाला, एक दो जख्म नहीं 1951 जख्म खाकर पुश्ते फरस पर डगमगा रहा था। अब्बास आओ
गिरता है भाई संभालो, अकबर उठो कलेजे से बर्शी निकालो, आखिर हुसैन पुश्ते फरश से जमीन पर तशरीफ लाए, सर सजदे माबूद में रख दिया, खैमे से बहन निकली, भाई नजर नहीं आता, चिल्लाती थी अरे मेरा भाई ये किस तरफ, लूटी हुई अली की कमाई ये किस तरफ, दरियाए खून किधर तराई ये किस तरफ, मरने की जा हुसैन ने पाई ये किस तरफ, रास्ता दे जमीन के फलक की सताई हूँ, मैं अपने भाई जान से मिलने को आई हूँ, जालिमों ने रास्ता न दिया, ज़ैनब बुलंदी पर आई, देखा हुसैन का सर सज रहे माबूद में, कातिल सीने पर सवार, ज़ैनब का बस न चला, एक बार मदीने का रुक गया, नाना पर मलाइका का सलाम, आपका बेकसो मजलूम नवासा, खाको खून में गलता है, सताया जा रहा है, ज़िबा किया जा रहा है, कोई बचाने वाला नहीं है, शायद ये आवाज हुसैन तक पहुंची, एक बार आंखों से इशारा किया, ज़ैनब अभी मैं जिंदा हूँ, खैमे में जाओ, ज़ैनब पलटी, अब जो ज़ैनब पलटी तो खैमे हिल रहे थे, आफ्ताब महताब कह रहे हैं, हम कहला रहे थे, ये सितारे झिलमिलाने लग रहे थे, आंधी चलने लगी थी, फुरात का पानी नैज़ो उछलने लगा था, और एक आवाज कायनात में गूंज रही थी, अलाउ कुतल अल हुसैन बे करबला, अलाउ ज़ुबे अल हुसैन बे करबला, हुसैन ज़िबा कर दिए गए, सर नौके नैज़ा पर बुलंद नजर आया, बीमार बेटे ने जब ये मंजर देखा, बाप का सर नौके नैज़ा पर, कहा सलामो अलैका या बाप दिल्ला, अस्सलाम शाम आ गई, हुसैन शहीद हो गए, शाम गरीबा का मंजर है, अब बीबियां हैं, पता है कि जालिम आएंगे और लूटेंगे, एक बार जालिम आगे बढ़े, खैमों में आग लगाई गई, चादरें छिनने लगी और जेवरात लूटने लगे, अजीजो हर बीबी रवायत में है कि अपनी चादर से लिपट जाती थी, यही है गरीबों की शाम, यही है मजलूमों की शाम, यही है प्यासों की शाम, यही है सताए हुए दिलों की शाम, जिनके खैमों में आग लगी थी, जिन्हें ताजियाने मारे जा रहे थे, जिन्हें तमाचे लगाए जा रहे थे, जिन्हें सताया जा रहा था, वो बीबियां के जिनका साया कभी चश्मे फलक में भी न देखा था, करबला के मैदान में बेमखनूर दा निकली, और करबला के मैदान में शाम गरीबा की स्याही फैल गई, अजब मंजर था शाम गरीबा का, आजादारो हुसैन की लाश के सिराने शमा न थी, ज़ैनब के स्तर पर रेरा न थी, हुसैन की लाश को कफन न था, और इधर ज़ैनब भी बेमकदर नजर आ रही थी, उधर भी हसरत थी, इधर भी यास थी, बस अजब आलम था, हाँ कोई रोशनी नहीं, उन मजलूमों को जले हुए खैमों के अलावा कोई और रोशनी देने वाला न था, शायद इसीलिए तो शाम गरीबा की मजलिस अंधेरे में हुआ करती है, चिराग शाम गरीबा में किस तरह जलते, किसी के घर को जलाया है, रोशनी यूं है, अजरकुम अल्लाह, आजादारो हमने गम हुसैन मनाया, आज आश्रे मुहर्रम गुजरा, अब हम जब पलटेंगे हमें घरों में सुकून हासिल होगा, मगर हाय करबला के मजलूम अब भी बेचैन खाक पर बैठे हुए, अपने चाहने वालों को जो गुजर गए याद कर रहे हैं, ज़ैनब सोच रही है कल तक सब मौजूद थे, अब्बास भी थे, अली अकबर भी थे, कासिम भी थे, और मोहम्मद भी थे, हुसैन भी थे, यावर और नासिर भी थे, आज कोई नहीं है,
आज जैनब सबकी जिम्मेदारी सवार रही है। आजीजो वो चार बरस की बच्ची जिसे हुसैन बहुत दिलासा देते थे, सीने पर सुलाया करते थे, जो हुसैन के दिल का सुकून थी, जब शाम हुई बाबा याद आए, मैदान की तरफ आवाज देती हुई चली, बाबा कहाँ हो, बाबा कहाँ हो, बाबा कहाँ हो, ऐना ऐना भी की आवाज। क्योंकि सकीना ने मैंने अर्ज किया, कहा था नींद आएगी जब आपकी भूख आओगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। आवाज देते देते एक बार सकीना एक नशे तक पहुंची, आवाज आई एलैया एलैया या बुनैया ऐ नूरे नजर इधर चलिया। जाकर के सकीना लाशे बेसर से लिपट गई, समझ गई यही मेरा बाबा है, फरियाद करने लगी, बाबा आपके बाद जालिमों ने तमाचे मारे, जो गोशवारे पिनाए थे जालिमों ने नोच के ले लिए, बाबा देखो कान से लहू जा रही है, बाबा देखो मेरे रुखसार कैसे हो गए, इतने तमाचे मारे गए हैं। आजीजो सकीना फरियाद करते करते कुछ खामोश सी हो गई, जैनब ने थोड़ी देर बाद तमाम बच्चों को जमा किया, सकीना न मिली, एक बार उम्मे कुलसूम को आवाज दी, चलो देखते हैं सकीना को ढूंढते हैं। आवाज देती देती मख्तल में पहुंची, आवाज दी भैया हुसैन क्या सकीना आई है, जब जोर से पुकारा एक बार लाशे बेसर से हुसैन की आवाज आई, जैनब आहिस्ता बोलो सकीना सो रही है, लो अजादारो जैनब पहुंची सकीना के पास, देखा बाप के लाशे से लिपटी हुई सकीना सो गई है या गश के आलम में, एक बार चौंकाया सकीना उठी, कहा पुपी जान क्यों आई हो, कहा बेटी तुम जंगल में अकेली सो रही हो, जंगल में अकेले नहीं आते, कहा मेरे बाबा भी तो जंगल में अकेले हैं, मैं क्या करूं, मैं तो बाबा के सीने पर सोया करती थी, लिहाजा यहाँ चली आई। लो दादा रो सकीना को जैनब ने आगोश में लिया, लेकर के आई जले हुए खैमों के पास, जहाँ तमाम बीबियां थी, बीमार माँ भी मौजूद थे। अजीज़ो गुरबत की शाम है, इसमें पानी आया या नहीं आया कोई रवायत नहीं बताती, हाँ ये जरूर है कि अगर पानी आया होगा तो जरूर बीबियों ने और बच्चों ने लिया होगा, क्यों कराया नहीं मालूम, लेकिन बाद उलमा पढ़ते हैं और यकीनन सही होगा कि जब पानी आया जैनब ने सकीना को चौंकाया, एक जुरायाब दिया, कहा बेटी पानी पी लो, सकीना ने पूछा फूफी जान क्या आपने पानी पिया, कहा नहीं, कहा फिर मुझे क्यों सबसे पहले दे रही है, कहा इसलिए कि तुम सबसे छोटी हो, सबसे छोटों को पहले दिया, छोटों को पहले दिया जाता है। एक बार सकीना ने वो जुरायाब लिया, मक्तल की तरफ चली, पूछा कहाँ चली, कहा अली असगर के पास जा रही हूँ, वो मुझसे भी छोटा है, पहले उसे सेराब करूंगी। अजीजो शाम गरीबा है, आज है शाम गरीबा, करबला और नजरों में है, रो रहा हूँ आज मैं अपना भरा घर देखकर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस यालम लम नज़लम।